अभी देखो चेक करो यार क्या एक्सीडेंट हुआ। ये ट्रक पूरा लग गया भाई। एक और एक्सीडेंट भाई, आज हमें एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट ही देखने को मिल रहे हैं। आदि क्या है ही आज का दिन, रात को हम निकले ही मदद करने, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। रेस्क्यू टीम में हम और भाई ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। नहीं नहीं भाई, पुलिस वाले उसको बचा रहे थे भाई, जो ट्राले वाला था ना। हाँ हाँ, और वो सरकारी ट्रक था, मेट्रो का था वो। तो आदि पोस्ट करने वाला है, तो देखते हैं भाई क्या पोस्ट कर रहा है। ओ भाई वाह, लग रहे हैं ना जबरदस्त। कमेंट में जरूर बताना कैसे लग रहे हैं। और सामने देखो रात के 11:00 हो रहे हैं। तो भाई फिलहाल मन कर रहा है कि कल सैटरडे है, तो हम सोच रहे हैं कि कहीं चलते हैं घूमने। ओहो चश्मा पहन के हो गया आदि, रेडियो भी रात को अपने लौंडों का पूरा है। तो भाई चलते हैं सीधा घूमने फिरने कहीं यार, बड़ा वक्त हो गया है। कम से कम 5-6 दिन हो गए कहीं भी नहीं गया, तो एक नाइट राइड करके आते हैं। अभी हम आपको बताएंगे नहीं कि अब कहाँ जा रहे हैं, बट बताएंगे जरूर जैसे जैसे आगे जाएंगे। आज हमारे साथ है नेगी जी और नेगी जी के भाई। भाई का नाम क्या है? भाई का नाम, अरे भाई का नाम ही भूल जाता है, भाई का नाम भूल गया, पर भाई का नाम हमें याद है बस भाई दिल में। हाँ। बाकी अभी हम जा रहे हैं, नेगी जी जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, लकी भाई जा रहे हैं, शायद कुणाल का भी कंफर्म नहीं है। जहाँ जा रहे हैं ना मजा आ जाएगा तुम्हें भी, और जानी मानी जगह है वैसे। तो जल्दी जल्दी से थोड़ा अपने गियर्स वगैरह साफ करते हैं, मींस हेलमेट वगैरह, क्योंकि 5-6 दिन से वो यूज भी नहीं किया है, क्योंकि हम बस में जा रहे हैं डेली। तो जल्दी जल्दी से वो सब करते हैं। और नेगी और उसका भाई नीचे आने वाला है, शायद कुणाल भी आ सकता है जैसे कि आदि ने अभी बताया। तो अपना काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं और चलते हैं सीधा रुद्रा के पास। इससे पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए, सोचा अमूल की चॉकलेट आइसक्रीम खा लें। अभी हमने थोड़ा सा डिनर किया, वैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ फिर से चश्मा वीडियो में दिखना चाहिए, अच्छा है सुंदर। तो हमने सोचा फिर से जाने से पहले थोड़ी चॉकलेट खा लेते हैं। वैसे हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद भी हम यही करने वाले हैं। अरे लकी भैया फुल रेडी हो चुके हैं। और लकी भैया तो भाई आउटफिट चेक करो, लकी भैया का सूज के साथ भाई जैकेट पूरी मैचिंग, हेलमेट का कलर भी फुल मैचिंग है, और कैप भी बहुत अच्छी लग रही है। साथ में हमारी बाइक भी BMW, तो कैप तो ऑब्वियसली भाई BMW क्योंकि ठीक है। चले फिर, रेडियो भाई फुल रेडियो, नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं, पक्का ना? लेट्स गो गाइस। लकी मैंने भाई 4 दिन से बाइक साफ नहीं करी भाई, कैसे ऑनर हो आप, शर्म नहीं आ रही है थोड़ी सी आपको? तो भाई चेक करो यार, आवर रुद्रा इज हेयर। और भाई उफ, तो भाई बताओ कैसी लग रही है कमेंट में। बड़े समय बाद, कम से कम 6-7 दिन बाद आज रुद्रा निकल रही है भाई, पर अच्छा लग रहा है देख के। बाकी थोड़ी वॉशिंग कराने को आ गई है, बाकी थोड़ी हवा भी कम है, अभी टायर भी चेक करवाते हैं। और भाई हल्के हल्के, नहीं नहीं ये देहरादून में गिरी थी, ब्लिंकर से तो ऐसे ही लग रहे हैं। हाँ भाई यही है, चेक करो। क्या भाई विदेश से आ रहा था? विदेश से आ रहे हो? तो भाई फाइनली पहुँच गया है। फॉग लाइट जलाना ज़रा भाई, एक ही जल रही है दूसरी, अरे पर चलो भाई एक भी नफे अपने पास तो एक भी नहीं है। पर भाई चेक करो कैसी लग रही है दोनों, HP 30 NDL 3SFC भाई, ओफ मजा आने वाला है भाई। पर हम अभी आपको बताएंगे नहीं कि हम जाने कहाँ वाले हैं, आपको ये नहीं बताएंगे कि हम जाएंगे कहाँ। और नेगी का आउटफिट चेक करो भाई, नेगी आज पहली बार तैयार होके आया है। वैसे फैक्ट है, कभी इसको ऐसे तैयार होके नहीं देखा, अजीब लग रहा है तेरे को तैयार होके देख के। तेरा वो लोअर कहाँ है? निकर वो काला वाला लोअर फेंक दिया। अरे भले इस बार नेगी भाई कर रहे हैं स्पॉन्सर, बोलते राइड का, राइड का नहीं कपड़े, राइड में कपड़े पहनने का। अच्छा राइड में कपड़े पहन, क्या भाई बोलता था, जीन कभी नहीं पहनता। देखो देखो तो चलते हैं आगे निकलते हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत दूर जाना है। जो हमारा सफर है वो 68 किलोमीटर का है। Oof.
फिलहाल हम पहुंचे हैं पता नहीं कौन सी जगह, कौन सी जगह है भाई? है ये भाई आपका चाणक्यपुरी। पक्का? तो भाई फ्यूल अप करवा रहा है भाई जल्दी जल्दी से, भाई की बाइक में फ्यूल अप करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। पर भाई मज़ा बहुत आ रहा है, बस यार ये क्लच एडजस्ट नहीं हो रहा है, मेरे को तो एक ही दुख है, बाकी तो सब सही है। क्लच एडजस्ट हो जाता तो भाई, क्योंकि मैंने क्लच छेड़ दिया था, यहाँ से एडजस्ट होता है ये, बट मैंने छेड़ा था यार ये। पर चलो देखते हैं, धीरे धीरे चल चल के अंदाज़ा लगा देंगे। फाइनली जहाँ हम आने वाले थे वहाँ पहुँच चुके हैं। हम आए हैं अमरीक सुखदेव मुरथल, और भाई रश मैं आपको दिखाता हूँ भाई, अनएक्सपेक्टेड रश भाई, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ इतना रश होगा। ना मैं यहाँ कभी आया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, पर भाई लोगों का जो क्रेज़ है ना इस जगह को लेके, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। ये भी तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो क्रेज़ है वो कैसा है, तो आओ मैं चेक कराता हूँ पहले तो आपको भीड़। तुम रश चेक करो भाई, ओह भीड़ देखो, यहाँ का जो परांठा है ना भाई, अनोखा परांठा, बहुत फेमस है। मैं देखना चाह रहा हूँ भाई ऐसा क्या है उस परांठे में। लाइटनिंग अच्छी है, ऐसा नहीं है, बट भाई जो रश है, लोग बेमतलब पागल हो रहे हैं भाई। देखो इस जगह को लेके, ये सीट्स खाली हैं भाई बस, और वो भी अभी अभी जस्ट खाली हुई हैं, पर भाई जो अंदर है ना, उफ भाई 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 भाई, पर भाई तुम भीड़ तो देख ही सकते हो, नेक्स्ट लेवल भीड़ है भाई। तो भाई नेगी से ही रिव्यू लेंगे इस परांठे के बारे में। यहाँ तो कोई ऑर्डर लेने नहीं आ रहा है, पहला रिव्यू तो ये है, ऑर्डर लेने इसलिए नहीं आ रहे हैं। हाँ देखो सब कुछ कम है यहाँ पे भाई, देखो भाई कितना टाइम हो गया हमें यहाँ बैठे हुए, 15 मिनट से यहाँ बैठे, ऑर्डर लेने तो कोई आया नहीं है भाई। यहाँ देखो भाई, ओह सॉरी बट भाई 2 बजे दुनिया पागल हो रही है, और भाई एक भी टेबल खाली नहीं है, कोशिश तो है कि कोई टेबल खाली मिल जाए। ये उठेंगे तो ये बैठेंगे, भैया ने पहले ही बुकिंग कर रखी है। अगर आपको भी यहाँ परांठा खाना है, जो भी यहाँ का फेमस परांठा है, तो आपको ऐसे सिर पे खड़े होके बैठना पड़ेगा इंतजार में। अभी ये उठे हैं तो इसके बाद हम बैठेंगे भाई। अगर आप भी यहाँ खाने आते तो आपको, तो कैसा है परांठा? अच्छा आप भी खाने वाले हो, और आप भी खाने वाले हो, आप दो ही हो ना? हम भी दो ही हैं। कैसे हैं परांठे? अच्छे हैं, ठीक है, अरे इसके फेवरेट परांठे हैं। वीडियो किसके लिए बना? व्लॉगिंग। पहाड़ी आरा पहाड़ी आरा किधर से? शिमला। आप कहाँ से हो? हमें कहीं से भी हो भाई, शिमला का साल लास्ट ट्रिप से गया। कहाँ से? हमारा लास्ट ट्रिप शिमला था। तो फाइनली अवर परांठे इज हियर, और चेक करो भाई, ओ बटर तो भाई दबके है, परांठा तो इतू सा है, मतलब इतना सा परांठा है, बट भाई बटर बहुत बड़ा है। बाकी चेक करते हैं, देखते हैं, और फिर आपको रिव्यू देते हैं कि हमें परांठा कैसा लगा। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left. चाय भी आ गई है, cheers, cheers guys. Yes, man. Cheers. Cheers for the good time. परांठे के बाद गाइस चाय आ जाए तो मजा ही कुछ और आ जाए भाई, सोने पे सुहागा, और बिल, और बिल उसके बाद फाड़ के आ जाए तो बिल चेक कर रहा है। 589 गाइस, कैसा लग रहा है लक्की भैया? अच्छे से, हमारी जनता देखना चाह रही है ये परांठों का बिल। पेमेंट आप कर रहे हो ना? ठीक है, नेगी भाई आप तो नहीं कर रहे? नेगी जी पेमेंट कर रहे हो ना? आपकी तरफ से पार्टी यार, वो अच्छे परांठे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप 1.5 घंटा अगर वेट करोगे और उसके बाद आपको परांठा मिलेगा, तो भाई वो मेहनत वाला परांठा है, इंतजार करके खाया हुआ परांठा है, तो आपको ऑफकोर्स सी बात है वो अच्छा लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि परांठे बहुत ज्यादा बुरे हैं, सही है, बट जिस टाइम पे ये चलता था भाई, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत जबरदस्त परांठे मिलते थे, जब यहाँ पे पहले ट्रक्स वगैरह रुका करते थे, ये छोटा था मैंने सुना है जो कि, बट अब वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। भीड़ तो देखो कंटिन्यूसली रात तक भीड़ आ रही है, और अभी भी लोग आ ही रहे हैं, तो भाई चलते हैं रुद्रा के बाद अमरीक की बैक साइड जहाँ पे ये पार्किंग है, और पार्किंग का पूछते हैं कितने पैसे चले। मैं अपने सफर की बात करूँ भाई,
अच्छा लगा जो हमने राइड की उसमें तो हमें बहुत अच्छा लगा, बट अगर हम वही यहाँ की बात करें तो इतना अच्छा नहीं था, बट हाँ सही था, ऐसा नहीं करेंगे, एवरेज था। मतलब जितने लोग क्रेजी हैं, बट यार ये लोग क्रेजी हैं भाई, जिनको दारू दुरू पीने का शौक है, उसके बाद किसी को रात को भूख लग रही है, वो 24/7 खाने की तलाश में है, तो वो इधर आ सकता है और पराठे खा सकता है। ये जो अपना मुरथल वाला रोड है, इस पर अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, जो रीजन है भाई ये खराब हो गया था, अगर ये आगे ना होता तो शायद भाई बंदा बच जाता है। देखो तो अभी अभी देखो, चेक करो यार क्या एक्सीडेंट हुआ, ये ट्रक पूरा लग गया भाई, खत्म हो गया भाई बंदे, और अभी अभी इसमें खत्म हुए हैं, दो बंदे थे दोनों खत्म, पूरा सीन हो गया है भाई, चेक करो यार बहन जो खत्म हो गए भाई बंदे, दोनों बंदे खत्म, दो बंदे थे भाई इसमें और दोनों बंदे खत्म हुए, दिल्ली हाईवे पे हुआ है भाई, पुलिस भी खड़े होके सिर्फ देख रही थी, पुलिस ने भाई कुछ भी नहीं किया, बल्कि हम बोल भी रहे थे कि भाई बचाओ बचाओ कुछ देखो करो, भाई पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। फिर हमने एक ट्रक रुकवाया, उसके सहारे से हमने जो आगे की ये बॉडी रहती है ये बाहर निकलवाई, फिर बंदे अंदर से बाहर निकले भाई, बल्कि पुलिस का इसमें कोई भी वो नहीं था भाई, पुलिस तो खड़े होके सिर्फ देख रही थी, एंड तक देख रही थी, एम्बुलेंस भी हमने बुलवाई भाई, हाथ भी नहीं लगाया भाई, यहाँ देखो इतने बंदे खड़े हैं, इनसे पूछ लो ये बंदों से पूछ लो भाई, हाथ तक नहीं लगाया भाई बंदों ने। ट्रक खड़ा हुआ था जो मतलब खराब हो रखा था ट्रक, सीधा बंदा उसमें जाके बजाए 100 की स्पीड में यार, पर भाई जो उसमें बैक लाइट रहती है जिसको हम इंडिकेटर डिपर बोलते हैं, इंडिकेटर रहते हैं वो भाई, वो तक नहीं थे उस ट्रक में यार जो खड़ा हुआ ट्रक था, ना उसने डिवाइडर लगा रखा था कि खराब हो रखा है भाई। भाई बोलने को तो रीज़न बहुत रीजंस है कि ऐसा हुआ, पर भाई बंदा चला गया भाई, दो बंदे थे दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई भाई, इतना ट्रॉमा सा हो गया है ना भाई, बाइक चलाने में भी फट रही है भाई, महसूस हो रहा है कि भाई कैसे चलाऊँ, खतरनाक वाला एक्सीडेंट था भाई वो, भाई बंदों की जो टांगे है वो टांगे ही कट चुकी है भाई, कट चुकी है टांगे भाई, जो उनमें से एक बंदा था उस बंदे को तो भाई देखना भी मुश्किल हो गया था, वो बंदा तो भाई पहचान तक में नहीं आ रहा था भाई, उसकी बॉडी पूरी इकट्ठी हो गई थी भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ यार, बहुत ज़्यादा बुरा। अगर भाई उसमें ऐसी कलर की लाइट्स होती ना भाई पीछे, जो ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें जाके वो बचाए, अगर वो लाइट जल रही होती ना तो भाई बंदे नहीं बचते उसमें, क्योंकि भाई NH पे यार बंदा 100 की स्पीड में नहीं होगा ट्रक में, तो क्या 10 की स्पीड में होगा, 20 की स्पीड में होगा, लोग बोल रहे 100 में था, देखा किसने भाई, देखा तो किसी ने नहीं, बस बचते हुए देखा है डायरेक्ट लोगों ने जैसे वो बचा भाई। और भाई शायद इसी वजह से आज भगवान जी ने हमें ट्रिप पे भी भेजा था नाइट राइड पे, नहीं तो हम ऐसे निकलते ही नहीं है भाई रात को, पर पता नहीं आज हम क्यों आ गए, और भाई ज़िद कर रहे थे, बल्कि भाई मैंने ज़िद की, मैंने और निकी ने, आदि तो मना ही कर रहा था कि रहने देते हैं, नहीं चलते हैं नहीं चलते हैं, शायद भाई किसी की मदद करने के लिए ही हमें, शायद हमें किसी की मदद करनी थी, भगवान जी ने मदद के लिए चुना था हमें, तो भाई शायद यहाँ देखो भाई हालात देखो, पूरा खून खून हो रखी है भाई बाजू, भाई सच बता रहा हूँ मैंने लाइफ में ऐसा सीन पहली बार देखा है, इतना खतरनाक सीन, मतलब मैंने एक्सीडेंट होते हुए बहुत बारी देखे है, पर टांगे कटते हुए, सिर खुलते हुए, पूरी नसें जितनी भी इंटेस्टाइन्स थी बाहर आते हुए मैंने पहली बार देखी है भाई,
वो ऐसे बजा है भाई सीधा खड़े ट्रक में, जैसा है वो ऊपर ट्राला था बड़े वाला, वो कितने टायर वाला ट्राला रहता है, बहुत बड़ा जो रहता है ट्रक, बहुत बड़ा, पीछे उसमें कैरेज रहता है, सामान डालते हैं जैसे उसमें बहुत सारी चीज़ें, मशीन्स वगैरह, क्रेन वगैरह। भाई अब तो मैं ऐसे भगा भी नहीं पा रहा हूँ भाई, जैसे वो भाई भगा रहा है ना आगे भाई, वैसे भी नहीं, मतलब भाई मेरे को ना सच में भाई लिटरली बोल रहा हूँ, कैसा बताऊँ भाई, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ भाई, ऐसे मत क्रॉस करो यार, पहले डर लग रहा है भाई। मैं ना आप लोगों को यार अपना ट्रॉमा बता भी नहीं सकता भाई, मेरे को इस टाइम कैसा महसूस हो रहा है भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी ना बहुत ज़्यादा फट रही है, बहुत ज़्यादा। भाई ये पलट गया है भाई, रुक भाई, आज का दिन हो क्या रहा है ये, कोई है अंदर? ओ भैंचोद भाई, उन्होंने तो डिवाइडर लगवाया नहीं, ना लगाया भाई, जो वो ट्रक खड़ा हुआ था अगर उसमें भी ड्राइवर डिवाइडर लग जाता, अगर वहाँ डिवाइडर होता तो पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसमें टच नहीं होता, बट भाई ये लगवा दिया इसमें। ओफ भाई ये भगवान, आज का दिन भाई कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है भाई, आज का दिन तो कम से कम ऐसा है कि ट्रॉमा भाई, पूरा ट्रॉमा। एक और एक्सीडेंट भाई, आज हमें एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट ही देखने को मिल रहे हैं। आदि क्या है ये आज का दिन, रात को हम निकले ही मदद करने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, रेस्क्यू टीम में हम। उफ, एक और ट्रक भाई का नंबर नहीं लेंगे। ओ भाई पलट गया भाई, चेक करो यार, अभी अभी बस एक्सीडेंट देख के ही आ रहे हैं, अभी तो भाई खून भी नहीं हटाया हाथ से, अब एक और एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है भाई। इंडिकेटर नहीं होंगे क्या इसके ऑन? ऑन कर दो यार भाई। भाई बंदे जो इसमें है वो तो सेफ है भाई, वो खुद ही बाहर निकल गए थे, अभी उनसे मिले, उनसे ही बातचीत कर रहे थे, तो भाई निकलते हैं फिलहाल तो यार। ट्रॉमा भाई ट्रॉमा हो गया है आज तो, ऐसे ऐसे सीन देख लिए ना आज भाई, अब रात को कभी राइड पे निकलेंगे। रात सोने के लिए लग गया, नौ से लेके पाँच बजे तक चलाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे भाई, निकलते यार यहाँ से। ओ भाई तो बच गए हैं भाई, शुक्र है, आज जैसी मौतें देखी है ना भाई, ऐसा लग रहा है कि एक और मौत देखने को ना मिल जाती है भाई। भाई पता नहीं क्या देखने को मिल रहा है भाई आज, और भाई टाइम हो चुका है 5:05, सुबह हो गई है भाई। ओ भाई अब मुझे ना समझ आ गया है कि भाई विदाउट राइडिंग गियर्स मुझे बिल्कुल सफ़र नहीं करना है, मुझे नहीं चाहिए बाइक में कोई मॉडिफिकेशंस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भाई ज़िंदगी बहुत प्यारी है। और भाई ये जो लोग बोलते हैं स्टंट कर थोड़ा सीख, भाई मेरी स्किल्स काफ़ी है, मैं भाई घूमने वाला बंदा हूँ मुसाफिर, मेरे को ये सब करना नहीं है भाई, ना मेरे को कोई शौक था पहले से स्टंट वंट का, हाँ बीच में सोचता था कि सारे बोलते हैं कि किया कर किया कर, पर नहीं भाई आज से देखने के बाद मुझे ये लग गया है भाई कि मुझे नहीं करना है भाई, सही करते हैं जेट प्रूफ जोत वगैरह भाई, जेट पाजी वगैरह घूमते हैं अपना आराम से राइड करते हैं, वही सबसे सही है भाई। हिम्मत ही नहीं है भाई तेज चलाने की, डर ही इतना बैठ गया है देख के भाई, ट्रॉमेटाइज हो गया भाई बंदा, इतना ट्रॉमा हो गया है देख के बंदे को कि भाई ऐसा लग रहा है कि जान जाते हुए सेकंड नहीं लगता भाई। और लोग बोलते हैं स्टंट क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करते भाई, नहीं करते भाई, हमें हमें तो इतना पता है भाई कि भाई कैसे चलती है, आराम से चलेगी, हमें घूमने का शौक है, हम घूमेंगे, कोई मिलेगा उनकी मदद करेंगे, मुसाफिर हैं घूमते रहेंगे, पर भाई आज तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भाई अपनी गली में, और भाई नेगी को भी भाई कहने का वक्त हो चुका है, और भाई जो आज हम लोगों ने देखा है ना भाई, वो भाई बहुत ही ट्रॉमेटाइज करने वाला था। और भाई आज शनिवार का दिन है और सुबह के 5:30 हो रहा है, और भाई डॉग्स भी उठ चुके हैं, भौंकना शुरू कर दिया उन्होंने, और भाई देखो अपने बंदे प्यार कर रहे, पर भाई जो हालत देख रहे हो ना, उफ ब्लड ब्लड हो गया है
भाई कैसा, क्या कहना चाह रहे हो कुछ तुम भी इस पे? भाई कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता भाई, देख उसकी जान बच सकती है भाई उस बंदे की। और भाई ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। नहीं नहीं भाई, पुलिस वाले उसको बचा रहे थे भाई, जो ट्राले वाला था ना। हाँ हाँ, और वो सरकारी ट्रक था, मेट्रो का था वो। पुलिस के अंदर सो रहा था भाई, बोला ये हाँ ठीक है। मैंने फिर बोला इधर भैया कोई सोने की जगह है भाई। और वो जो ट्रक था ना, वो गाइस वो सरकारी ट्रक था वो मेट्रो का। हाँ भाई एग्जैक्टली वो भी वही बोल रहे थे। और भाई उस बंदे ने खुद एक्सेप्ट किया भाई कि ये 12 बजे का ख़राब हुआ है। 12 बजे से लेके ना NH वालों ने कुछ देखा, ना उन लोगों ने कुछ देखा, बाकी बंदों ने भाई तब तक क्या कर रहे थे भाई इतने टाइम से लेके 12 से 3:30 बज गए हैं। 3:30 बजे तक NH पे, बीच NH पे ख़राब ट्रक रखा हुआ है, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ट्रक वाला जो सामने से आ रहा है वो धीरे चले। भाई बंदे तो 100 की स्पीड में ही आएंगे, NH है वो, और तुम खराब ट्रक उसी में ना NH देख रहा है जिसका ट्रक है ना, वो देख रहा है ना कुछ भी। हाँ डिपर ही लगाता, डिवाइडर ही लगाता, वो इंडिकेटर लगाता, कुछ तो करता भाई ताकि दो बंदों की जान चली। अरे छोटे एज थे, हमारी एज के बंदे थे भाई वो, 24-25 साल के बंदे थे वो। छोटा वाला था बेचारा, सोते सोते मर गया भाई वो, सोते 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 मरे। प्लस उसके हाथ भी ऐसे, ये हड्डी भाई उसका पैर निकल गया भाई, पूरा पैर चला गया उस बंदे का। तो भाई चलो ये बातें छोड़ो भाई, इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और भाई नेगी को भी भाई कहते हैं, ठीक है भाई, और अमित को भी कहते हैं भाई, तुमने वीडियो बड़ी भाई। और भाई आदि, तो देखो आदि को भी भाई कह रहा हूँ, ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो गया भाई। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं भाई। बट आज का जो दिन था ना भाई, मतलब जो मॉर्निंग थी, रात थी, क्या कहीं समझ नहीं आ रहा भाई, बहुत ही काली हो चुकी है। बट भाई बहुत ही बुरा लग रहा है भाई, ऐसा हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। चाहे या ना चाहे, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है भाई, जो लिखा था वो तो होना ही था भाई इस व्लॉग को। सही बात है, भगवान उनके घर वालों को भाई शक्ति दे ये सब सहने की। गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और गुड नाइट।